ठीक है, ठीक है, एंड दिस इज योर क्रशेस होम, ठीक है, दिस इज योर क्रशेस होम। अब तुम निहायती बेशरम इंसान हो, तुम क्या हो, निहायती बेशरम इंसान हो, तुम घर से सीधा स्कूल जा सकते थे पर तुम नहीं जाओगे, पर तुम नहीं जाओगे, तुम कहां से होके जाओगे, तुम घर से जाओगे क्रश के घर, क्रश के घर से जाओगे स्कूल, हाँ या ना, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तुम हो निहायती बेशरम इंसान, तो तुम सीधा रास्ता नहीं लेने वाले हो, जब तुम सीधा रास्ता नहीं लोगे तो तुम कुछ टेढ़ा सा रास्ता लोगे, राइट, यू विल टेक अ वियर्ड रूट, राइट, घर से यहां और यहां से यहां। और कोई अगर तुमसे पूछेगा, अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ऐसा क्यों किया, ऐसा तुमने क्यों किया, तुमने घर से रास्ता लिया, कोई तुमने अगर इसके लिए डांटेगा तो तुम बोलोगे कि नहीं, बात तो बस इतनी थी ना कि घर से स्कूल जाने टाइम पर वो तो मैंने कर दिया, इफ ऑल दैट मैटर्ड वाज रीचिंग योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, आई हैव एब्सोल्युटली डन दैट, यस और नो, आई हैव डन दैट, यस और नो, है ना। शांत हो जा, सुनो, पैसे एक बार सुन लो, अभी शांत रहो, सुनो जो मैं समझाने की कोशिश करूं, तुम समझ जाओगे कि वेक्टर्स को डिफाइन कैसे करना है, ठीक है। किया जाए, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, सो द आइडिया ऑफ फिजिक्स इज बेसिकली द आइडिया ऑफ साइंस इज टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज अबाउट व्हाट, अबाउट द यूनिवर्स, राइट, ये यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है आपके पास, जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में। तो बढ़िया, हैंडसम सी शक्ल लिख दिया तूने तेजस्वी, इसलिए मेरे को चैट में मैं रुक गया, वरना नहीं रुकता, मतलब हाँ, आप कंटिन्यू करने दो, ठीक है, अभी मैं 2 सेकंड के लिए गायब होऊंगा और मैं बात करना शुरू करूंगा असली मुद्दे पे। सो व्हाट इज साइंस, साइंस इज अ परस्यूट ऑफ गेनिंग नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, बट अ परस्यूट दैट इज बेस्ड ऑन, अ परस्यूट दैट इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, समझे बात, अ परस्यूट दैट्स बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, ठीक है। साइंस इज अ परस्यूट ऑफ गेनिंग नॉलेज इन द अबाउट द यूनिवर्स विथ ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस एंड रैशनल थिंकिंग। साइंस इज एन एम्पेरिकल एंड अ रैशनल परस्यूट ऑफ नॉलेज, एम्पेरिकल एंड अ रैशनल परस्यूट ऑफ नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, एन एम्पेरिकल एंड अ रैशनल परस्यूट ऑफ नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, ठीक है, अबाउट द यूनिवर्स। अब हमें यहां पर एक बात समझनी है कि इसका मतलब क्या है, एम्पेरिकल एंड रैशनल का मतलब क्या है। एम्पेरिकल का मतलब होता है एविडेंस बेस्ड, तो मैं जो भी चीज तुम्हें बोलूंगा या तो वो चीज एम्पेरिकल होगी, यानी कि एक एविडेंस बेस्ड होगी, या फिर वो जो चीज होगी तुम्हारी वो होगी रैशनल, यानी कि लॉजिकल, ठीक है, वो चीज होगी लॉजिकल, ठीक है, बात समझ आई, या तो वो चीज होगी रैशनल या होगी एविडेंस बेस्ड या होगी वो रैशनल यानी कि लॉजिक बेस्ड, दैट्स द आइडिया, ठीक है। तो साइंस आइदर वर्क्स थ्रू लॉजिक और थ्रू एविडेंस, ये दोनों के दोनों डिवाइसेस तुम्हारे पास है, एंड वी यूज दीज टू डिवाइसेस टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, ठीक है, अबाउट द यूनिवर्स। टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अर वेरी लाइक ऑफ अ बिलवड सब्जेक्ट फिजिक्स, ठीक है, अबाउट द यूनिवर्स। तो देखो फिजिक्स में हम क्या कर देंगे, आज तुम्हें समझ आ जाएगा फिजिक्स कैसे चलती है, एंड टू एक्सप्लेन हाउ फिजिक्स वर्क्स आई एम गोइंग टू बी टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ समथिंग कॉल्ड एज वेक्टर्स। तुम में से बहुत सारे लोगों ने घिसी पिटी वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड ऑबेस ट्रायंगल ऑफ एडिशन, वो कोई बकवास बात है, सिर्फ बकवास है, उसमें कुछ भी ढंग की बात नहीं रखी है, वो एकदम एकदम गंदी डेफिनेशन है। एंड उसका प्रॉब्लम ये है कि तुमने जब बोला कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच इज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड ऑबेस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन आई आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और तुम फिर मुझे बोलोगे कि इट्स अ वे ऑफ एडिंग वेक्टर्स, दिस डेफिनेशन इज सर्कुलर, तुमने वेक्टर्स का यूज करके ही वेक्टर्स को डिफाइन किया, बट ये चीज तुम कर कैसे सकते हो, दिस इज इरेशनल, राइट, इट्स नॉट लॉजिकल, यस और नो, डू यू गेट माय पॉइंट, क्या सभी को मेरी बात समझ आ रही है। व्हेन यू से कि यू हैव डिफाइंड वेक्टर एज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो उसमें प्रॉब्लम ही होती है, हाउ डज दिस इवन वर्क, दिस डजंट रियली वर्क, बिकॉज जब तुम ये स्टेटमेंट बोलते हो तो उस स्टेटमेंट की प्रॉब्लम ये है कि वहां पे तुमने वेक्टर्स को यूज करके वेक्टर एडिशन डिफाइन किया, फिर वेक्टर एडिशन को यूज करके वेक्टर्स डिफाइन किया, तो ये गोल गोल बात है, राइट, गोल गोल है ये गोल गोल बात, डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है, वहां पे गड़बड़ होती है। सो वी हैव टू, साइंस इज एन एम्पेरिकल एंड अ रैशनल परस्यूट ऑफ नॉलेज, अ रैशनल परस्यूट ऑफ नॉलेज, ठीक है, रैशनल का मतलब होता है बेस्ड ऑन लॉजिक, एम्पेरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन एविडेंस, राइट, एम्पेरिकल इज बेस्ड ऑन एविडेंस, रैशनल मींस बेस्ड ऑन लॉजिक, एंड इट्स द नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स दैट यू आर ट्राइंग टू एक्वायर, तुम वो जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन यू कंसीडर फिजिक्स टू अंडरस्टैंड हाउ फिजिक्स वर्क्स, द
prototype example, the quintessential example that I always take is that of vectors. Okay? To understand how physics works, we take the prototype example of something called as vectors. And to understand vectors, I always ask the question, what is a vector? How do you see a vector? And most people say that vector is a quantity which has, you know, magnitude, direction, and obeys vector law of addition, which is, as I said, a circular definition. It is a circular definition. Ye gol-gol definition hai. Theek hai? Iska sense nahi banta. Ye sense nahi bana rahi hai. So we have to define vectors precisely. And to do that, I have a situation for you. This is your home. This is your home. Theek hai? This is your home. And this is your school. Theek hai? Theek hai? And this is your crush's home. ठीक है, this is your crush's home. अब तुम निहायती बेशरम इंसान हो. तुम क्या हो? निहायती बेशरम इंसान हो. तुम घर से सीधा स्कूल जा सकते थे, पर तुम नहीं जाओगे. तुम कहां से होके जाओगे? तुम घर से जाओगे क्रश के घर, क्रश के घर से जाओगे स्कूल. हाँ या ना? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तुम हो निहायती बेशरम इंसान, तो तुम सीधा रास्ता नहीं लेने वाले हो. जब तुम सीधा रास्ता नहीं लोगे तो तुम कुछ टेढ़ा सा रास्ता लोगे, राइट? यू विल टेक अ वियर्ड रूट, राइट? घर से यहां और यहां से यहां. और कोई अगर तुमसे पूछेगा, कि ऐसा क्यों किया, ऐसा तुमने क्यों किया, तुमने घर से रास्ता लिया, कोई तुमने अगर इसके लिए डांटेगा तो तुम बोलोगे कि नहीं, बात तो बस इतनी थी ना कि घर से स्कूल जाने टाइम पर, वो तो मैंने कर दिया. इफ ऑल दैट मैटर्ड वाज रीचिंग योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, आई हैव एब्सोल्युटली डन दैट. यस और नो? I have done that. Yes or no? है ना? शांत हो जा. सुनो, पैसे एक बार सुन लो. अभी शांत रहो. सुनो जो मैं समझाने की कोशिश करूं, तुम समझ जाओगे कि वेक्टर्स को डिफाइन कैसे करना है. ठीक है ना? तो घर से क्रश से होते हुए तुम स्कूल जाओगे. एंड इफ एनीबडी इज आस्किंग यू, इफ एनीबडी इज कंप्लेनिंग कि ऐसा क्यों किया तुमने, तब तुम क्या बोलोगे कि आई डिड दिस बिकॉज, एक ही बात है, मेरे को तो बस स्कूल ही पहुंचना था ना. घर से निकलने तो स्कूल पहुंच जाता हूं, तो मैं इस तरह से करूं, उस तरह से करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो ये काम कर दिया. तो तुम ये रीजनिंग दोगे, राइट? मोस्ट प्रॉब्ली द आइडिया इज कि अब इस घर को और क्रश के घर को हटाते हैं और अब थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट बातें करते हैं. लेट अस नाउ कंसिडर एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, लेट अस नाउ कंसिडर पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड. सो देयर आर थ्री पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड, राइट? नाउ यू वांट टू गो फ्रॉम एक्स टू जेड. You can either go from X to Z directly, you can go from Y, you can go to, you know, you can take some third path, fourth path, fifth path, path, whatever, right? There are multiple paths that are possible and you can take any one of them. The point is, if you're only interested in reaching your destination, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन. इफ यूर इंटरेस्टेड ओनली पे ध्यान रखना, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन. अगर तुम सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों में इंटरेस्टेड हो, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, और किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों में इंटरेस्टेड हो, किसमें? ओरिजिन और डेस्टिनेशन में. ठीक है, आरंभ और गंतव्य में अगर आपकी रुचि है, सिर्फ आरंभ और गंतव्य में अगर आपकी रुचि है, यद्यपि यह चीज सही है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें यह मिलेगा कि दिस थिंग बेसिकली टेकिंग दिस रूट and then this route is same as taking the direct route. Yes or no? I hope this thing is making sense to you. This comes from the direct application of the fact that you're only interested in your origin and destination and nothing else. You don't care about the time that it takes. You don't care about the money that you have to waste. You don't care about the effort that you have to put in. You don't care about the fuel consumption. You don't care about any damn thing other than just reaching from X to Y. I hope you get the point. Okay? I hope you get the point. Does this make sense? If you're only interested in reaching your destination from your origin and these are the only two points you're interested in, then your motion can simply be represented as a pair of points, right? Then motion is basically a pair of points. Yes or no? Then motion is basically an ordered pair of points. Right? Ordered pair, because origin pehle aayega, destination baad mein aayega, right? Motion is basically an ordered pair of points. Yes or no? Basically, an ordered pair of points. Hakina, these points are basically your origin and destination. That is what these points are. Fine. These points are basically origin and destination. So if you get this thing, your motion, if under this particular condition, you're only interested in origin and destination, then you have a pair of points. So how do I represent this particular motion? This is represented as X, Z. How is this represented? This is represented as X, Y. How is this represented? Y, Z, right? Now, you understand that X, Y followed by
followed by or rather x comma y and then y comma z by definition gives z comma x comma z, right? Because you're only interested in your origin and destination, right? So you pick your final destination and your first origin. That's the idea, right? So beach ke sare points hat jayenge, they don't really matter. So this gives you something of this form. Now comes Euclid. Euclid ne Hellenistic Greece yani ki 6th century BC Greece bahut purana 600 300 us time mein, matlab aaj se like literally 2300 2400 2500 years ago, right? 2500 years ago. So bahut pehle Euclid ne hame kuch postulates diye the basic geometry ke. What were those postulates? Those postulates began with the very first postulate, which stated that for a pair of points there's only a unique line which can pass through both of them, right? There's only a unique line which can pass through both of them. Yes or no? There's only a unique line which can pass through both of them. Do you agree with this statement? Yes or no? Yes or no? Sabhi ko pata hai ye, hai na? There is only a unique line which passes through a pair of points, right? There is only a unique line which passes through a pair of points, right? है ना, ये पहला पोस्टलेट है यूक्लिड का, राइट? तो तुम ये समझ पा रहे हो कि ये जो तुमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, यू कैन रिप्लेस दिस ऑर्डर्ड पेयर इन अ यूनिक मैनर विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एक्स एंड वाई. यस और नो? सो ऑर्डर्ड पेयर कैन बी रिप्लेस बाय द लाइन सेगमेंट और द लाइक द डायरेक्टेड एरो. सो एक्स कॉमा वाई can be uniquely replaced by xy vector of something of like xy array, not vector, xy arrow basically, right? xy arrow is straight line hai jo ki x se y mein ja rahi hai, that uniquely represents this particular idea that you're only interested in the origin and destination. This is called as displacement. What is this called? This is called as displacement. Displacement is the shortest distance between your origin and the destination. Theek hai, the unique ye jo line hai tumhara, this is called as displacement. What is displacement? Please make a note of this. What is displacement? Displacement hence becomes the shortest path between your origin and destination. ठीक है? I hope तुम्हें बात समझ आ गई. इसका क्या feel है तुम्हें समझ आ गया? Shortest path between origin and destination. I hope इसका feel तुम्हें आ गया. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना. चुनिए साई एस्ट्रा और करिए अपने IIT NEST का सपना साकार. Download the app now. The guidance, we have courses in which we have got All India Rank 1, All India Rank 12, All India Rank 13 in KVPY. We have got All India Rank 1 in ISER Aptitude Test, AIR 12 in NEST exam, AIR 13 in KVPY exam. More than 400 of our students are now in the premier research institutes in India, going to become future scientists.